हेलो दोस्तों, आप सबका एग्जाम टूर चैनल में स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से सुबह के बेला में 9 बजे से आर्य सरवाल पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में 51-50 तक कर चुके थे, आज 51 से शुरू करना है। देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये क्या है 51 नंबर क्वेश्चन? 1 से 31 के बीच सभी सम प्रकृत संख्याओं का योग कितना है? तो देख रहा है कि 1 से 31 के बीच सम प्रकृत संख्या है, तो हम देखेंगे तो यहाँ से सम प्रकृत कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा मेरा, यहाँ 4 हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा मेरा, और इस सब का हमको योग पूछ रहा है, ठीक है ना? इस सब का हमको योग पूछ रहा है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, ऐसे 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 क्या करेंगे, 30 तक जाएंगे। कैसे? 31 तो सम प्रकृत नहीं है, तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, कि 2 को यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, अब प्लस में 10 10 10 10 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है? अब ये किसी फॉर्म पे आ गया। हम आपको बताए थे एक पिछली कक्षाओं में अपने, कि अगर लगातार कोई संख्या है, लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र बताए थे, n(n+1/2), तो इसी पर आधारित बना लेंगे हम। तो क्या करेंगे यहाँ पर, कि 2 × 15 को कुछ ऐसी है नंबर है, तो यहाँ 15 करेंगे एन के जगह पर। उसके बाद क्या करेंगे, 15 + 1/2। अब क्या करेंगे, 2 × 15 × 16/2, ठीक है? यहाँ से काट देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है? तो 15 × 8 = 2240। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है इस क्वेश्चन का। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होती है, ठीक है? तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है, तो 100 तो होता नहीं है 6 से, तो 101 होता है, 101 भी नहीं होता है, 102, 102 हमारा क्या होता है कि आराम से विभक्त हो जाता है 6 से। तो हम क्या करेंगे, पहला यहाँ पर लिख लेंगे 102, तो 102 हो गया। फिर क्या करेंगे, 108 हो जाएगा, 6 बढ़ाते जाएंगे 114 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट 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 करते आएंगे, तो यहाँ पर लास्ट में 3 अंकों का तो 999 होता है सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की, तो 999 की तो कटेगा नहीं 6 से। फिर देखेंगे 998 को देखेंगे, वो भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 996 होगा, ठीक है? अब देखिए, इसको बताने के लिए आपको हम एक सूत्र बता रहे हैं, ठीक है ना? ये क्या होता है कि किसी भी संख्या का एनवा पद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। जो सूत्र क्या होता है, a+(n-1)(d), ठीक है? यही एक सूत्र होता है, ठीक है? तो इसी पर आधारित कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ए यानी पहला को अथी जो अथी है वर्ड है, तो देखिए 102 हो गया पहला संख्या, ठीक है? उसके बाद एन, तो हमको तो मालूम नहीं है कि एन कितना हुआ, तो n-1 को छोड़ देंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 102। डी यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो इसमें तो 6 हो रहा है, तो डी को क्या करेंगे, 6 कर देंगे, ठीक है? तो अब इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे इसको, ठीक है? फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो क्या होगा, एक बराबर क्या हो जाए 102, अब प्लस n-1, अब कॉमन डिफरेंस 6 है तो 6 हो जाएगा, और एनवा पद है तो एनवा पद कितना है, 996 है, ठीक है? अब हम यहाँ क्या करेंगे, कि पहले इसको ले जाएगा उसमें घटा देंगे, तो n-1 × 6 हो जाएगा, अब बराबर 996 - 102, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटेगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, कि n-1 × 6 तो 6 से ही कट जाएगा, कटेगा तो देखिए 6 × 1 = 6 हो जाएगा, यहाँ 2 और 9 बचा, 2 9 बचा तो 6 × 6 = 24, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 4 9 = 54 यानी 9, ठीक है? तो n-1 = कितना हो गया, 149, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 150, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है? चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन है,
दिया है 200 से 600 के बीच में कितनी संख्या है? 4, 5, 6 से पूर्णतः विभक्त होती है, यानी वो संख्याएं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका यही है कि पहले 4, 5, 6 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो आप देखिए 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम 60 हो जाएगा। जब 4, 5, 6 का एलसीएम 60 हो गया तो हम क्या करेंगे, 200 में 60 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो ले जाएंगे तो देखिए 6, 4 का 24 यानी 240, ठीक है ना, 240 हो गया, 6, 5, 30 यानी 300 हो गया, ठीक है, अच्छा अच्छा रखे 36, 360 हो गया, ठीक है, 6, 7, 42 यानी 420 हो गया, और 6, 7, 48 यानी 480 हो गया, और 1 हो जाएगा 540। आ इसके बीच का पूछ रहा है तो 600 तो कट जाएगा आराम से 60 से, मगर उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसके बीच का ही सिर्फ पूछ रहा है। तो देख लेंगे कि पूछ रहा है कितनी से पूर्णतः विभक्त होती है, कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या तो हम बताए नहीं आप लोगों को, तो पहले हम आप लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में बता देते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभाज्य यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, और भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, कंपोसाइट, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोसाइट नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर जिसका दो विभाजक हो, जिसका दो विभाजक हो, और कंपोसाइट यानी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका दो प्लस विभाजक हो, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कि यहां पर कह रहा है कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जिसका दो विभाजक हो, और कंपोसाइट नंबर यानी जिसका दो प्लस विभाजक हो, ठीक है ना। तो हम कैसे ये ज्ञात करेंगे, जैसे एक है तो एक का तो सिर्फ एक विभाजक है, तो ये क्या हुआ मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब ले लेंगे दो, दो तो दो का एक एक हो जाएगा और एक दो हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसका मात्र दो ही विभाजक होता है, तो हमारा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, एगो दो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए तीन को लेंगे तो तीन का भी एक एक तीन होगा और एक एक होगा, ठीक है, तो ये भी मेरा प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चार लेंगे तो चार लेते हैं तो चार का देखिए एक 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 हो जाएगा, दो हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो इसका तीन विभाजक हो गया, तो ये तो मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि प्राइम नंबर उसे कहा जाता है जिसका केवल दो विभाजक हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको तीन विभाजक हो जा रहा है, तो तीन विभाजक हो गया तो ये किस में चला जाएगा, ये कंपोसाइट में चला जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब पांच ले लीजिए, पांच को लेते हैं, पांच को लेंगे तो पांच का भी मात्र एक हो जाएगा, एक एक हो जाएगा पांच, तो ये भी किस में आ जाएगा, पांच इसमें, ये भी प्राइम नंबर में आ जाएगा, ठीक है। अब छह को लेंगे, अब छह को ले रहे हैं तो छह का एक एक हो जाएगा, एक दो हो जाएगा, एक तीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक छह हो जाएगा, तो ये तो दो प्लस विभाजक के फॉर्म में आ गया, तो इसे क्या करेंगे, इसे लिख देंगे कंपोसाइट में छह को, ठीक है। अब सात को लेते हैं, सात का एक एक विभाजक होगा, एक सात होगा, ठीक है, और ये किस में आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपको प्राइम नंबर में, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोसाइट नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, तो ये देख लिए कि मेरा प्राइम नंबर ही हो गया, यानी जिसका दो विभाजक हो वो प्राइम नंबर में आता है, जिसका दो प्लस विभाजक हो वो कंपोसाइट में आता है। अब देखिए हम आठ लेते हैं, आठ का क्या होगा, एक एक हो जाएगा, एक दो हो जाएगा, एक चार हो जाएगा और एक आठ, तो ये भी दो प्लस विभाजक हो गया, तो ये आ जाएगा आपको आठ में। ऐसा ही आप आगे बढ़ा लीजिए कि कौन कौन मेरा प्राइम नंबर है या कौन कौन मेरा कंपोसाइट नंबर है। अब देखिए अब नौ, नौ आठ आठ तो हो गया, नौ को लेते हैं, ठीक है, तो नौ को लेते हैं तो नौ, नौ में देखिए क्या होगा, नौ में क्या होगा, एक एक हो जाएगा, एक तीन हो जाएगा, एक नौ हो जाएगा, तो ये मेरा किस में चला जाएगा, कंपोसाइट में चला जाएगा, ठीक है ना, कि ये प्राइम में जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ये भी देख रहे होंगे
ये लिख रहे हैं तो सम विषम के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसमें सम के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसमें विषम के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये बात मत सोचिए, क्योंकि 9 देखिए 9 का 3 विभाजक हो गया तो ये चला गया इसमें कंपोजिट में, तो ये ऑड इवन पर मत ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आपको ये प्राइम और कंपोजिट पर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप इसमें मिला सकते हैं कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन होगी, 2। आंसर आप समझ गए कितना देखिए आसान है और कितना जल्दी बन गया, ठीक है। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब दे रहा है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य है, तो हम देख लेंगे कि सम संख्याएं अभाज्य की फॉर्म में आता है, तो सम संख्या किसे कहते हैं पहले आपको हम बता दें, और विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए ऑड और इवन, ठीक है, ऑड जिसमें 2 से विभक्त न हो उसे ऑड संख्या कहते हैं, जो 2 से विभक्त न हो उसे ऑड नंबर कहते हैं, जो 2 से विभक्त हो उसे इवन नंबर कहते हैं। ऑड इवन आप समझ गए कि सिंपल सी बात है कि इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से विभक्त हो, ठीक है, यानी पूर्णतः जो 2 से विभक्त हो जाता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए भी आप समझ लीजिए, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, और ऑड नंबर में क्या आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, और 9 आता है, 11 आता है, ये सब ऑड नंबर में आता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर हम आते हैं, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य है, तो हम आपको बताए हैं अभाज्य का कि अभाज्य किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका 2 केवल विभाजक हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम आपको बताए कि 2 उस समय बताए थे, तो 2 ठीक है ना, एक सम संख्या है जो कि एक ही मात्र 2 ऐसा एक सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है, नहीं तो 4 को लीजिए तो 4 का 1, 2 और 4, तो ये किस में आ जाएगा, कंपोजिट में आ जाएगा, तो इसलिए ओनली 1 यानी एक ही है जो कि आपको सिर्फ सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं 60 से 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, हम तो आपको बता दिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभी दे रहा है 60 से 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, ठीक है। अब हम इसे निकालने का आपको एक और विधि बता रहे हैं, ठीक है ना, जैसे 60 है तो 60 किसी भी संख्या को ऐसा संख्या लेना है जिसका वर्ग है ना उससे कम हो, तो देखिए जैसे जैसे हम लिए 8 का, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर है ना, अब वर्ग 12 है, 8 64 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर 65 लेंगे, ठीक है, तो अब 65 को हम इसके नीचे के जो मैंने प्राइम नंबर है उससे भाग देंगे, ठीक है, उसके नीचे से प्राइम नंबर से भाग देंगे, ठीक है, तो देखिए ये 5 से कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 66 को लेंगे तो इसके भी देख रहे हैं 3 से कट रहा है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 67 को लेंगे, ठीक है ना, और 61 को लेंगे, 61 को लेते हैं तो 61 को पहले देख लेते हैं, ठीक है, 61 को लेकर देखते हैं तो 68 64 उसके मैंने छोटा है 61, तो 61 लिए, 61 को हम क्या करेंगे कि पहले उसके नीचे वाले अथी से भाग करेंगे जो भी प्राइम नंबर है इसका उससे, तो 1 से करेंगे तो 1 से तो कोई कटता है, 2 से, 3 से, 3 से कटेंगे तो 3 से नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से, 7 देखें 7 से भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि 61 मेरा एगो हो जाएगा अभाज्य संख्या, चलिए 61 हो गया।
उसके बाद यहाँ पर हम देख लिए, यहाँ पर अब आएंगे 8, तो 8 × 4 = 64 तक जाता है, तो 9 से लेंगे तो 99 = 81 होता है। उसके नीचे वाला पर देखेंगे सब ठीक है, तो 99 = 81 होता है, तो 81 का हमें पोले लेना है, तो हम देख लिए कि 65 भी नहीं कट जा रहा है, 66 भी कट रहा है, 67 को लेंगे, 67 को। तो अब 9 के नीचे के जितने भी प्राइम नंबर है उससे हम मिलाएंगे, तो देख रहे हैं कि 9 के नीचे के प्राइम नंबर से ये 67 नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 67 को लिख लेंगे ठीक है। उसके बाद 68 तो कट जाएगा, उसके बाद 69 भी 3 से कटेगा, 70 भी कटेगा, 71 को ले लेंगे, कैसे कि 71 भी नहीं कट रहा है ठीक है। 72 भी कट जाएगा, 73 को लेंगे, 73 नहीं कट रहा है ठीक है। यही बस होगा और कोई नहीं होगा ठीक है। अब सिर्फ इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इसका कितना मान आता है 272, इस सबको ऐड कर देंगे ठीक है, इक्वल टू 272 आंसर हो गया। चलिए अब हम आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो 3 अंक 100 से स्टार्ट होता है, तो फिर 101 आता है ठीक है, 101 आता है, तो 101 को हम वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 11 का स्क्वायर करेंगे इबारा ठीक है ना, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि 101 रखेंगे ठीक है। अब देखेंगे कि 11 का नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं ठीक है ना, उससे हम क्या करेंगे कि इसमें भाग देंगे, अगर कट जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये कॉम्पोसाइट में चला जाएगा ठीक है ना। तो देखते हैं, मिलाते हैं पहले, तो 3 से आते हैं तो तितरी के 9, 1 = 11 नहीं कट रहा है, फिर 5 से क्या काटते हैं तो 5 से तो कटेगा नहीं ऑलरेडी, 7 से काटेंगे तो 7 × 7 = 41 नहीं कट रहा है, फिर हम इसे 9 से भी काटते हैं तो नहीं कट रहा है, यानी ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 हो जाएगा ठीक है। अब आते हैं हम 58 नंबर क्वेश्चन पर ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, अब 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो हम तो आपको अभी इतना बताए हैं कि अभाज्य संख्या कौन है कौन नहीं ठीक है, कैसे निकाला जाता है ये भी आपको मैं बता दिया हूँ ठीक है, तो उसी पर आधारित ही क्वेश्चन है ठीक है। तो आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वैसा ही है, आप बनाइएगा तो हमें ये लगेगा कि ना आप बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी अनुसार हमें भी मेहनत करने में मजा आएगा ठीक है। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर ठीक है। चलिए दोस्तों, अब 59 नंबर क्वेश्चन है, n का वह सबसे छोटा मान क्या है जिससे 2n+1 एक अभाज्य संख्या नहीं हो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2n+1 को यहाँ लिखेंगे ठीक है, उसमें क्या करेंगे, पहले पहला नंबर ऑप्शन लेंगे 3 ठीक है ना, तो 2 × 3 + 1 यानी 7, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है ठीक है ना, और नहीं है पूछ रहा है ठीक है ना। और फिर 2 नंबर लेंगे, बी नंबर लेंगे, तो 2 × 4 + 1 = 9, तो ये देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका कंपोसाइट नंबर है ठीक है ना, यानी अभाज्य संख्या नहीं है ठीक है, नहीं ये भाज्य संख्या है ठीक है। तो बस आंसर हो जाएगा मेरा 4 ठीक है। आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट। चलिए, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक हो तो एक संख्या क्या है। तो हम तो ये बात जानते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग ठीक है ना, एक सम संख्या होता है ठीक है ना, और 3 को अभाज्य संख्याओं का हमको मिलाना है ठीक है ना, तो 3 का क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, मगर हमको ये चीज नहीं मालूम है ठीक है। तो हमको निकालने के लिए दिया है 100 ही, तो ये कैसे 100 दे रहा है, तो इसे हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो एगो x लेंगे, और दूसरा क्या लेंगे, पहला x लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, पहला x और दूसरा क्या लेंगे, x + 36, कहेंगे दूसरी संख्या पहली संख्या, दूसरी संख्या 36 अधिक है ठीक है ना, और एक क्या करेंगे लिखेंगे, तीसरा ले लेंगे y ठीक है। अब करेंगे देखिए x x + 36
प्लस वाई इजक्वल टू 100, ठीक है, हो गया मेरा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2x, 2x प्लस 36 प्लस वाई इजक्वल टू 100, ठीक है। अब देखिए हम y के जगह ये कह रहे हैं अभाज्य संख्या, तो दो क्या है, दो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, दो एक अभाज्य संख्या है। हम आपको पहले बताए हैं जिसका अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये भी बताए हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए 2x प्लस 36 प्लस 2 इजक्वल टू 100। अब आइए 36 आइए कितना हो जाएगा, 2x प्लस 38 हो जाएगा इजक्वल टू 100। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 62, ठीक है, काट देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, x बराबर 31 हो गया, ठीक है। अब 31 हो गया एक, दूसरा क्या हो जाएगा इसमें कि और देखिए यहाँ 31 हो गया, उसके बाद क्या होगा कि 31 प्लस 36 तो ये 67 हो जाएगा और एक ऑलरेडी दूर है, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 31 67 और 2, ठीक है, तीनों का तीनों निकल गया मेरा संख्या है। अब इसे ऐड भी करेंगे तो देखेंगे 100 आ जाएगा। तो चलिए आज तक इतना ही, ठीक है, फिर हम कल आएंगे आपके साथ, ठीक है।